हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो क्या शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई है क्या आपको बताया है कभी तो सबसे पहले यहाँ पर देखे आठ महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था सेकंड राउंड ऑफ रैली ठीक है सेकंड राउंड ऑफ रैली यहाँ पर शुरू हो गई है नाइनटी एट शेयर था अभी यहाँ पर प्राइस देख रहे हो आप दो तो आपके पैसे यहाँ से क्या होगा डबल हो गए अभी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शेयर यहाँ पर डबल होते हुए नजर आते हैं अगर आपको विश्वास है आपकी स्टडी ठीक है आपको पता है शेयर में जान है तो और आपने सीखा हुआ है आपको पता है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात यह है तो कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पर चार्ट पे आएंगे तब तो मैं यहाँ पर और बातें करूंगा बट अभी बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ से डबल हुआ ठीक है बट ये शेयर आप मानोगे नहीं पचास रुपए से यहाँ पर बताते हुए आ रहे हैं ठीक है बट अपने क्लाइंट्स को बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये शेयर लगभग तीन से चार गुना एक साल के अंदर अंदर एक सवा साल के अंदर अंदर होता हुआ नजर आया कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो आपने टी वी पैड भी देखी होगी आपने यहाँ पर इस, इनके स्टोर भी विजिट किए होंगे अगर आप यहाँ पर गोल्ड वगैरह लेते हैं तो ठीक है तो आपको पता चलेगा डिजाइन मैनुफैक्चर एंड सेल्स अफ़ गोल्ड स्टर्ट्स एंड अदर ज्वेलरी तो यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनी का काम है सिंपल यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके की ज्वेलरी यहाँ पर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इसके अलावा आप चाहे तो इनकी वेबसाइट पर विजिट करके खरीद सकते हैं यहाँ पर इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन जी है इसके अलावा अलग अलग नाम से यहाँ पर ये कंपनी प्रोडक्ट्स अपने बेचती हुई नजर आती है जाके एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए तो पूरा आइडिया आपको लगता हुआ नजर आएगा बाकी यहाँ पर सबको सब कुछ पता ही है कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है अब बात करते हैं कंपनी की तो देखिए बीस हजार करोड़ रुपए की कंपनी है तो मिड कैप कहूंगा या फिर स्मॉल कैप भी कह देंगे तो चलेगा चार्ट की बात करें तो शेयर ने एक बम रिटर्न जब से आया है ऑलरेडी देखिए यहाँ पर दिखाया है और यहाँ पर आप बात करेंगे शेयर की तो अभी ऐसा सच नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता ठीक है बयालीस कप 42 का यहाँ पर पी .E. है इंडस्ट्री का इंडस्ट्री का 28 का है इसका 42 का है तो कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है बट महंगा सस्ता नहीं होता अच्छी चीज हमेशा अच्छी रहती है आर ओ सी आर ओ ई की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक नजर आती है डेट है कंपनी के ऊपर 118 परसेंट का कोई प्लेजिंग नहीं है इसके अलावा दस की फेस वैल्यू है दो सौ पांच का ये यह शेयर यहाँ पर नजर आता है इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंपनी के इन्वेस्टर्स देखेंगे तो एज इट इज यहाँ पर बने हुए हैं एफ आई एस की बात करें तो एफ आई एस की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है बट डी आईज देखोगे तो डी आईज ने बहुत

जून 2020 में सात करोड़ की सेल्स थी अभी 4300 करोड़ रुपए की सेल है जब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कंपनी नेगेटिव से यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रही है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे तो क्या नजर आता है कि शेयर रुकेगा नहीं कंपनी का शेयर भागता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर आप देखिए ई बढ़ रहा है यहाँ पर मार्जिन साइड थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया बट कंपनी के नंबर अच्छे थे कंपनी का अपने आप को प्रदर्शन कर रही थी तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मतलब कल या। पर अच्छा प्रॉफिट जो एक करोड़ का या घाटा था वो यहाँ पर 468 करोड़ रुपीज का हाईएस्ट है पिछले बारह जनवरी से लेके अभी तक आठ महीने का यहाँ पर प्रॉफिट है रिजर्व्स की बात करें 2600 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी का ऊपर बोराइंग भी है ठीक है कंपनी ने 20 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में खर्च कर रखी है इन्वेस्टमेंट है चार करोड़ का कैश भी कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर पड़ा हुआ है पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी तो कंपनी ने दो में एक बार अगस्त में ही अभी डिविडेंड भी दिया था ठीक है जो डिविडेंट आने वाला है शायद बीस इक्कीस तारीख को यहाँ पर डिविडेंट आ जाएगा तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो क्या नजर आता है ओवरऑल सब कुछ अच्छा नजर आता है ठीक है इस वजह से ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा समझ में आएगा चार्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं कितना भाग सकता है बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल के नोटिफिकेशन वीडियोस को जाके देखिए हर एक वीडियो को के देखिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ शेयर को इस तरीके से बाई करते हैं और इस तरीके शेयर बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बातें नहीं करता तो यहाँ पर आप डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स थ्री सेवन दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए बेसिक्स टू तो एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है कैसे शेयर लिया जाता है कब भागता है कब गिरता है वो पूरा यहाँ पर बताया जाएगा कोर्स को करने के बाद छह महीने से एक साल का यहाँ पर मार्केट का एक्सपीरियंस लीजिए याद रखिए इतना पैसा कमाओगे देखा नहीं होगा थ्री मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रैटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप है बारह सौ पर मंथ दे के व्हाट्सअप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर बारह परसेंट पाँच परसेंट ये देखिए शेयर डेली दिए जाते हैं डेली भागते हुए नजर आते हैं और इन नंबरों पर यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे और पोर्टफोलियो बड़ा है और साथ में काम करना चाहते हैं तीन लाख पाँच लाख पचास लाख एक करोड़ पचास करोड़ जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो साथ में काम करिए पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा बेहतरीन आके चलते हैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करें कल्याण ज्वेलर्स की हम बात करें तो ऑलरेडी नीचे के लेवल से यहाँ पर ले रखा है और यहाँ पर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हुए थे बार बार बताया जा रहा था ठीक है और यहाँ पर दोबारा बताया गया था 98 एट पे मैं, मैंने वीडियो बनाई थी तब भी यहाँ पर बताया था बट बत इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई एक अपॉर्चुनिटी थी और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वो अपॉर्चुनिटी है अगर कैश इन करना चाहते हो थोड़ा सा विजन लंबा है तो पैसे डेफिनेटली बनेंगे चीजें गिरी और उसके बाद देखोगे सौ रुपए से शेयर दो सौ रुपए हो गया मतलब पैसे यहाँ पर कुछ ही टाइम में डबल हो गए इसी को स्टेज टू कहते हैं थोड़ा सा रुकवाता है थोड़ा कछुए की चाल चलता है थोड़ा खरगोश की तरह भागता है तो दोनों बिहेवियर यहाँ पर स्टॉक स्टेज टू में यहाँ पर होते हैं स्टेज टू क्या होती है वो हम यहाँ पर सिखाते हैं तो जाके आप यहाँ पर एक बार सीखिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा शेयर की बात करें यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और चीजें ऊपर जा रही है अब ऊपर जा रही है तो इसे ऊपर का फायदा लेते रहते हैं सबसे पहले मेरे पास और मेरे क्लाइंट्स के पास ये शेयर है तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और नीचे के भाव पे हम ले चुके हैं और दोबारा हमने बेच के फिर दोबारा यहाँ पर एंट्री करी है और अब यहाँ पर देखोगे शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है टारगेट की बात करूं तो सबसे पहला टारगेट वन टू टेन का है ओके okay, इसके बाद टारगेट 224 का है इसके बाद टारगेट 240 का है और शायद ये शेयर यहाँ से भी शायद डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है बट याद रखिएगा जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे भी आती है तो समय पर प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है ठीक है और इसी को हम यहाँ पर कहते हैं स्टॉक मार्केट में कि समय पर चीजों को लेना समय पर चीजों को बेचना बाइंग से नहीं की रिकमेंडेशन नहीं है चीजें सीखनी है कि समय पर कब लेते सब बेचते हैं तो इन नंबरों पर नोट करके व्हाट्सएप ग्रुप कोर्स साथ में काम करिए तो पता चलेगा सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लस